वेलकम टू ऑल ऑफ यू बच्चों। आज फिजिक्स कैप्सूल पार्ट 7 में अपन पढ़ेंगे एक क्वेश्चन जिसमें ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कंबाइन मतलब उसके अंदर ही आ जाएगा। तो अपन स्टार्ट करते, किसी एक बच्चे का क्वेश्चन आया था है ना, उस क्वेश्चन को अपन क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। चलो तो अपन क्या करेंगे, शुरुआत करते हैं, ठीक है। क्या फिजिक्स कैप्सूल पार्ट 7, फिजिक्स पार्ट 7, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ मैन इज वॉकिंग ऑन अ लेवल रोड एट द स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोल रहा है कि एक मैन जिसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है ना, वो क्या कर रहा है, रोड में घूम रहा है ना, भाग रहा है, बढ़िया पानी भरा था ना, वो भाग रहा है, ठीक है ना। रैन ड्रॉप फॉल वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 4.0 किलोमीटर पर आवर, है ना। क्या बोल रहा है कि पानी बरस रहा है ना, रैन ड्रॉप हो रहा है वर्टिकली, है ना, रैन ड्रॉप हो रहा है वर्टिकली विद द स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, है ना, पर आवर। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ रैन ड्रॉप विद रिस्पेक्ट टू द मैन इन विच डायरेक्शन, हाँ, वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन तुमको निकालना है, है ना, और वो किस डायरेक्शन में अपना अम्ब्रेला रखे कि उसको पानी ना पड़े, है ना, पानी ना पड़े, किस डायरेक्शन अपना अम्ब्रेला रखे कि उसको पानी ना पड़े, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन की सुंदरता पहले समझ लो, है ना, क्वेश्चन तो सुंदर क्वेश्चन बन गया, देखते हैं पहले। देखो क्वेश्चन की सुंदरता क्या है, क्वेश्चन देखो कितना शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। बोल रहा कि एक बंदा है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े जा रहा है, एक इंसान है वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़े जा रहा है ना, बढ़िया गाड़ी में बैठ के घुमाया जा रहा है एक्सीलेटर बिल्कुल, है ना। अब क्या बोला, पानी बरसने लग गया बीच में, मतलब बीच में पानी बरसने लग गया है ना, तो पानी कैसे बरस रहा है, वर्टिकली बरस रहा है, ठीक है, वर्टिकली बरस रहा है, किस स्पीड से बरस रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से पानी वर्टिकली बरस रहा है, ठीक है। तो बात समझ में आ रही, करेक्ट करो कि ये बंदा मस्त गाड़ी में बैठा है और 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है गाड़ी, है ना, इसके आगे वाला और ये बैठा है ना। अब क्या हुआ, पानी बरसने लग गया बीच में, अब ये पानी बरसने लग गया बीच में, वर्टिकली बरस रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है पानी की, ठीक है। तो बोल रहा है कि तुम ये बताओ कि रैन का मैन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है, रैन का मैन के रिस्पेक्ट में क्या वेलोसिटी है ना, रैन की वेलोसिटी दी हुई है ना, पागल मत हो जाना कि रैन की, अरे भैया ये तो दिया हुआ डायरेक्ट इसी को लिख देते हैं, है ना, तो एग्जामिनर क्या देगा, बड़ा सा 0, है ना। तो क्या बोल रहा है कि रैन की वेलोसिटी पूछ रहा है, रैन की वेलोसिटी पूछ रहा है, उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू मैन, मतलब रैन की वेलोसिटी चाहिए अपने को, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में चाहिए अपने को, मैन के रिस्पेक्ट में चाहिए, है ना, ये बात इंपॉर्टेंट चीज है ना। और बोल रहा है कि अगर उसको बचना हो, मतलब वो तो बढ़िया घुमाया जा रहा है लेकिन पीछे वाले को बुखार चढ़ गई है, ठीक है, पीछे वाला बोल रहा भैया मेरे को पानी से बच रहा है, तो ठीक है, हम बोल रहे कैसे बचाया जाए, तो क्या हुआ कि एक बच्चा बैठा था किसका, प्रतिमा अकेडमी का, बोला रुक जा, हमको गुरुजी ने बताया है कि अम्ब्रेला किस डायरेक्शन में रखे, तुम इसे रख लिए हो, तुम अम्ब्रेला इसे रख लियो, है ना, और वो गाड़ी चलाया जा रहा है, तुम बिल्कुल भीग गए, बिल्कुल पानी पड़ रहा, मुंह पानी पड़ रहा, हाथ पानी पड़ रहा, सब पड़ गया, भीग गए, है ना, और जो छत्ता इसलिए खड़े हो, अब जो भींग गए, तो क्या मतलब छत्ता लेने का, तो देखो तो तुमको छत्ता रखना कैसे है, ठीक है, अगर ऐसे थोड़ी सी ऐसा रखोगे इस एंगल में, है ना, तो क्या पानी जो सामने से आ रहा होगा वो स्टॉप हो जाएगा, ऐसे रखोगे तो इस तरह से पानी स्टॉप हो जाएगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि किस डायरेक्शन में अपने को छत्ता रखना है, छत्ता रखने वाली चीज नहीं है, कि डायरेक्शन में रखना है कि तुम गीले ना हो, तुम भीग ना जाओ बिल्कुल, है ना, तो तुमको वो क्वेश्चन में निकालना है ना। तो क्वेश्चन प्रैक्टिकली समझ में आ गया बच्चों, ठीक है। अब देखो अब इसको क्या करना है, सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिकली कनेक्ट कर लिया तुमने, कहां यूज आएगा ये क्वेश्चन, है ना। तो बच्चे इसने भी पूछा है, ये है, ये एक अलग टॉपिक है, है ना, तो अगर तुम उसको नॉर्मल क्वेश्चन देकर सॉल्व कर रहे हो तो तुमको दिक्कत सॉल्व होगा,
मना नहीं कर, डिनाई नहीं कर रहा हूँ, है ना, लेकिन दिक्कत आएगी, है ना। तो इसका अलग एक टॉपिक ही है, किसमें, प्रदीप में अलग टॉपिक है, रैन एंड मैन प्रॉब्लम। क्या रैन एंड मैन प्रॉब्लम अलग से टॉपिक ही है, किसमें, सीबीएसई प्रदीप में, ठीक है। तो वो अलग टॉपिक है, तो इसको अपन नॉर्मल सॉल्व करोगे तुम अटक जाओगे, ठीक है। तो अपन उस टॉपिक में कैसे सॉल्व करते हैं, अपन उससे एक्सप्लेन करते हैं इसको, ठीक है। तो देखो पहले बोल क्या रहा है, पहले अपन बनाओ क्या, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। पहले बनाएंगे चार डायरेक्शन बनाएंगे, ठीक है। अब जो बोला अपन उसको आगे क्या करते जाएंगे, जो क्वेश्चन बोला अपन वो सॉल्व करते जाएंगे। क्वेश्चन ने क्या बोला कि बंदा जो गाड़ी में बैठ के बिल्कुल एंजॉय कर रहा है, हवा सुहानी, हवा का बिल्कुल एंजॉय ले रहा है, बिल्कुल सुहानी हवा का मतलब बढ़िया झोंका ले रहा है बैठ के गाड़ी में, है ना, जिसको नहीं पता भी पानी गिरने वाला है, तो उसकी स्पीड कितनी है, 3 किलोमीटर पर आवर की, है ना। तो ये उसकी स्पीड है, क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, बात समझा रही है, है ना। अब रैन ड्रॉप क्या, वर्टिकली गिर रही है रैन, क्या वर्टिकली गिर रही है, है ना, वर्टिकली गिर रही है रैन ड्रॉप, ठीक है। सो ये वेलोसिटी ऑफ मैन है, ये वेलोसिटी ऑफ रैन है, क्या वेलोसिटी ऑफ रैन, 4 किलोमीटर पर आवर, है ना। सो अब पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालना है, ये निकालना है ना। तो देखो अब अथॉरिटी से आप आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। तो देखो जब ऐसी प्रॉब्लम हो, जब ऐसी प्रॉब्लम हो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो जो इसकी पहले जो ये मूव कर रहा है ना, इसको रोको, तुमको सॉल्व करने के लिए इसको रोकना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा, बोले बेटा थम जाओ, हमको सॉल्व करना, तुम थम जाओ, है ना। वो थमेगा नहीं, तुम उसको सॉल्व करने के लिए उसको रोकोगे, है ना। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा तुमको, जो अरे यार क्या हो रहा है आज चौक, जो तुम्हारी ये वेलोसिटी है, है ना, जो कि पॉजिटिव है ना, अगर ये 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, तुमको इसको रोकना पड़ेगा, तुमको क्या लगाना पड़ेगा, 3 किलोमीटर पर आवर की एंटी एक्सेलरेशन मतलब रिटार्डेशन लगानी पड़ेगी, कितनी, -3 किलोमीटर पर आवर की, है ना। तो -VM, तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले इसको रोकेंगे, रोकने के लिए क्या, माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस, बात समझ आ रही है ना, इसको रोका हमने, ठीक है। हम बोल रहे हैं 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, समझ जाना ना, 4 किलोमीटर पर आवर लिखा हो वेलोसिटी ऑफ रैन, ठीक है। अच्छा अब ये कुछ कुछ हमको लग रहा है कि कुछ वेक्टर बन रहा है यार, ये कुछ वेक्टर ऐसा मुझको लग रहा है, क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है यार सर, कुछ कुछ तो वैक्टर ऐसे दिख रहा है ना, बड़ा बड़े मस्त लगा दो यार इसमें, ठीक है, वैक्टर ऐसे कुछ दिख रहा है यार अपने को, हम बोल रहे हैं बिल्कुल दिख रहा है, हम क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल दिख रहा है। तो हम बोल रहे ठीक है, तो अगर ये वैक्टर तुमको दिख रहा है तो तुम बताओ उसका रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, ठीक है। तो हम बोले हम तो एक रूल पढ़े रहे, क्या रूल पढ़े थे, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो अगर हम कॉन्सेप्ट वो नहीं पता हो तो कमेंट करना, उसको मैं समझा दूंगा तुमको, बहुत इजी है तुम्हें वो, जहां तक मुझे लगता है अगर उस बंदे ने ये क्वेश्चन पूछा तो उसको वो आता होगा कि उसके बहुत पहले है ये, ठीक है। तो देखो अगर किसी को नहीं आता बिल्कुल कमेंट करें, बिल्कुल बताएंगे आपको, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये VR यहां लिख लो, है ना, रिजल्टेंट, ये इसका क्या VRM होता है, क्या वेलोसिटी ऑफ मैन रैन विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना। ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है ना, ये इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है ना, जो इस डायरेक्शन में अपन उसको निगेटिव लेके चल रहे हैं, है ना, ये इस डायरेक्शन में, तो उसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। अब बना लो भैया बढ़िया सा मजेदार, क्या मजेदार, ओ ए बी सी, ठीक है, ओ ए बी सी, ठीक है। अब ये बन गया, इसको आगे बढ़ा दो, कह दो इसको आगे बढ़ा दो, ठीक है। ये एंगल ले लो तुम थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली थीटा होगा, ठीक है। हाँ अब ये बढ़िया सा मस्त वो बना दो, क्या छतरी, है ना,
ठीक है, तुम्हारी छतरी है ये, ठीक है, पोपट लाल की। अब देखो तुमको बोल रहा है भैया कि कितनी वेलोसिटी ऑफ रेड पहले निकाल लो तुम, है ना, तुम क्वेश्चन सम्मान करो, पहले तुम निकालो वेलोसिटी ऑफ रेड। तुम इस डायरेक्ट ये भी निकाल सकते हो, लेकिन आराम से निकालो यार, कहीं जा रहा क्वेश्चन जो बोल रहा हो निकालते जाओ। तो वेलोसिटी ऑफ रेड निकालो, तो वेलोसिटी ऑफ रेड क्या आएगी, वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू मैन, है ना, क्या होता है, क्या होता है, टेंगलो लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वी आर विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू, है ना, वेलोसिटी ऑफ आर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, है ना, वेलोसिटी ऑफ आर का टू मैन का स्क्वायर प्लस टू, अरे यार एक तो ना, है ना, तो थोड़ा नीचे लिख लेते हैं ना, ठीक है, क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ आर का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ एम का स्क्वायर प्लस टू वेलोसिटी बाय आर वेलोसिटी ऑफ एम कॉस ऑफ बीटा, ठीक है, कॉस ऑफ बीटा, ये तुम्हारा हुआ वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू मैन, कैसा लगा, एडिशन का लॉ लगा दिया, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, और अगर 90 डिग्री का एंगल तो बीटा क्या हुआ, 90 डिग्री हुआ, कॉस 90 डिग्री क्या होता है, जल्दी बोलो, कॉस 90 डिग्री बोलो यार, जीरो होता है ना, अगर कॉस 90 डिग्री जीरो है तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगी, इक्वल टू जीरो होगी नहीं होगी, जल्दी बोलो, ये टर्म जीरो होगी ना, है ना, तो तुम्हारे पास अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा, जल्दी बोलो, अंदर क्या बचा, अंदर देखो बताते तुम्हारे पास क्या बचा, ठीक है, ये सब तुमने लिख लिया होगा जहां तक मेरे को ऐसा लगता है, है ना, तो अंदर तुम्हारे पास क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन के लिए तुम्हारे अंदर क्या बचा, वेलोसिटी ऑफ रेन का स्क्वायर प्लस वेलोसिटी ऑफ मैन का स्क्वायर, तुम्हारे अंदर ये बचा कि नहीं बचा, ये बचा कि ये तो जीरो हो गया ना भैया, कॉस ऑफ बीटा तो 90 डिग्री जीरो होता है ना, कॉस 90 डिग्री यहाँ जीरो हुआ, तो कॉस ऑफ बीटा जो 90 डिग्री था ये वैल्यू क्या हो गई, इक्वल टू जीरो हो गई, अंदर ये बचा वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ रेन, बात समझ में आ रही है ना, अरे चलो थम्स अप कर दो, लाइक मार दो, ठीक है। अब देखो अब आगे बढ़ो, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, अरे हाँ ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेन क्या है, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, मैन की, तो 16 प्लस 9 25 हुआ ना, मतलब 5 किलोमीटर पर आवर। सो वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन अपना क्या हो गया, निकल गया, है ना, अपना वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकल गया यहाँ, ठीक है, तो आंसर क्या है, वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर अचर आवर, ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई, ठीक है। तो देखो अब बढ़ते हैं आगे, पहला आपने पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ, पहले क्वेश्चन ने पूछा था कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन निकालो, हम निकाल लिया। अब बोल रहा था कि भाई साहब को ये भी बताओ तुम कि हम किस डायरेक्शन में छत्ता रखे कि हम ना भीगे, मतलब अगर पानी गिर रहा है तो हम किस डायरेक्शन में छत्ता रखें कि हम ना भीगे, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं थीटा है ना, अगर हम वेलोसिटी बता रहे हैं किसकी वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन ये है, विद रिस्पेक्ट टू मैन ये है, तो छत्ता तुम थीटा डायरेक्शन में रखो ना, अगर तुम छत्ता तुम थीटा डायरेक्शन में रखोगे तो तुम ना भीगोगे, मतलब नहीं भीगोगे, ठीक है, बढ़िया बढ़िया सूखे सूखे घर आ जाओगे, बढ़िया पानी गिरा तुम सूखे सूखे घर आओगे, है ना, तो सूखे सूखे घर आने के लिए, सूखे सूखे घर आने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुमको थीटा डायरेक्शन रखना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थीटा निकालना पड़ेगा, है ना, तो थीटा कैसे निकालेंगे, ठीक है, ये लिख लिया ना कॉपी में, ठीक है, अभी थीटा निकालना है अपने को, अभी क्या निकालना है, थीटा निकालना है, तो थीटा कैसे निकलेगा, टेन ऑफ थीटा क्या हुआ है, टेन ऑफ थीटा क्या हुआ, जल्दी बोलो, अरे यार जल्दी बोलो यार, है ना, एल ए एल, है ना, परपेंडिकुलर क्या है, ये है ना परपेंडिकुलर, क्या है, ओ
ए बी है ना, ए बी परपेंडिकुलर है, ठीक है, मतलब वी एम है ना, बेस क्या है, बेस क्या है, बेस ये हुआ ना ओ ए, ओ ए मतलब वी आर, वी एम अपॉन वी आर है ना, वी एम अपॉन वी आर, तो वी एम की वैल्यू क्या है, थीटा क्या होगा, टेन इनवर्स ऑफ वी एम की वैल्यू क्या है, वी एम की वैल्यू क्या है, थ्री है, वी आर की वैल्यू क्या है, फोर है, थ्री बाई फोर है ना, थीटा क्या, अरे यार दिखा नहीं क्या, सॉरी, देखो थीटा क्या है, टेन इनवर्स ऑफ वी बाई आर है ना, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी अपने, टेन इनवर्स थीटा की वैल्यू क्या आएगी यार, बोलो कि जल्दी कैलकुलेट कर बताओ यार, 36 डिग्री 52 मिनट, चलो इंटेलिजेंट होगा जल्दी कैलकुलेट कर लेते हो है ना, बस समझ आ रही है, मतलब थीटा की वैल्यू 36 डिग्री 52 मिनट है, मतलब सबको समझ में आया क्या हुआ कि वेलोसिटी ऑफ रेड विद रिस्पेक्ट टू मैन क्या है, 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब तुमको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी ऑफ रेड कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर थी, रैन जब गिर रही थी ऊपर से नीचे तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 4 किलोमीटर पर आवर थी, बात समझ रहे हो, 4 किलोमीटर पर आवर उसकी खुद की स्पीड थी है ना, लेकिन इसके जो मुंह पड़ रही थी बारिश, मतलब उसके जब ये गाड़ी चला रही, इसके मुंह में जब पानी पड़ रहा है तो उसकी 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से पड़ रहा है ना, तुम्हें नोटिस भी क्या होगा, जब पानी गिरता है नॉर्मल ठीक है तो तुमको ज्यादा वो नहीं होता, तुम आराम से चल जाते हो है ना, लेकिन अगर तुमने क्या, अगर तुमने पानी तुम्हारे ऊपर नॉर्मल गिर रहा है तुम्हारे ऊपर ठीक है, तुम आराम से चल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, आराम से तुम चल लिए है ना, छत्ता भी ना ऐसे रख लिया, अब बच गए, अब लेकिन तुम गाड़ी चला रहे होते हो करेक्ट करना, तो जितनी तेज गाड़ी चलाते हो तुम, जितनी गाड़ी तुम तेज चलाओगे उतनी तेज मुंह में पानी पड़ता है, जितनी गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी मुंह में उतना तेज पानी पड़ेगा, टप 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 है ना, बस समझ में बहुत तेज लगता है पानी, क्यों, स्पीड तो पानी की वही थी ना, जो वहां थी वो यहां थी है ना, लेकिन डिफरेंस क्या आया, डिफरेंस आया तुम्हारी वेलोसिटी का, तुम्हारी वेलोसिटी में कितना डिफरेंस आया ना, उसके कारण तुम्हारे मुंह में पानी की स्पीड ज्यादा तेज पड़ी, ज्यादा फोर्स से मुंह में पानी पड़ा है ना, तो ये यहां तो प्रूफ भी हुआ ना कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन 5 किलोमीटर पर आवर है, जबकि वेलोसिटी ऑफ रेन 4 किलोमीटर पर आवर थी, बात समझ आ रही है, हाँ, अब तुमको बचना है, तो ये पोपट लाल का छत्ता है, तुम बचोगे तुमको कितने एंगल में रखना पड़ेगा पोपट लाल का छत्ता है ना, तो ये थीटा की वैल्यू मैंने निकाला तुमको क्या कर दी, दे दी ठीक है, अब अगर तुमने फिजिक्स पढ़ी मेरी क्लास की तो तुम कभी पानी में क्या निकलोगे, भीगोगे नहीं, क्यों, तुम बैठोगे कॉपी पेन लेके जल्दी से निकालोगे, एंगल निकालोगे, वेलोसिटी ऑफ रेन निकालोगे है ना, बढ़िया एंगल निकाले बता दोगे कि इतना डिग्री में रखना छत्ता, आराम से जाना, कोई नहीं भीगोगे ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, इस क्वेश्चन में तुमको 36 डिग्री अप्रोक्सीमेटली 36 डिग्री में तुम अगर रखोगे अपना छत्ता है ना, 36 डिग्री कहाँ, ये कौन डायरेक्शन है यार, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में ठीक है, मतलब नॉर्थ से तुम उतना डिक्लाइन करोगे कितना 36 डिग्री, ये लेकिन यहाँ से कर दिया भैया, यहाँ से नहीं, ये एंगल इक्वल होता है ना, तो 36 डिग्री तुम अगर यहाँ नॉर्थ से नीचे करोगे है ना, अगर तुम वहाँ अपना छत्ता रखोगे तुम बढ़िया बच जाओगे, क्या कर दोगे, बढ़िया बच जाओगे, बस समझ में आ रही है, हाँ ठीक है, तो ये तुम्हारा क्वेश्चन हुआ क्लियर ठीक है बच्चा, जिसने पूछा था उसका क्वेश्चन हो गया क्लियर है ना, साथ में तुमको क्या हुआ, ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन भी समझ में आ गया है ना, तुमने कैसे तुमको कितना एंगल में तुमको छत्ता रखना है वो क्लियर हो गया, तुमको ये भी क्लियर हो गया कि तुम्हारी वेलोसिटी के कारण तुम्हारे मुंह में जो पानी पड़ता है बारिश का उसमें कितना डिफरेंस आ जाता है ना, ये तुमको समझ में आया ठीक है, तो इसका सार समझ में आ गया जहां तक मेरे को लगता है ठीक है, सो वीडियो कैसी लगी बताइए जरूर, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कोई भी डाउट हो फिजिक्स के किसी भी क्वेश्चन में तो बिल्कुल भेजना, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो बिल्कुल भेजना, उसको बिल्कुल एक्सप्लेन किया जाएगा, क्योंकि आपके बच्चों के क्वेश्चन ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ इस कैप्सूल कोर्स में है ना, सो बिल्कुल अपना ध्यान रखिए और चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, थैंक्स अ लॉट।